हेलो ऑल पास यूजर्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है सुपर कोचिंग आपकी लेकर आया है लॉयल्टी सेल जहां पर हर एक पास यूजर को मिलेगा सुपर कोचिंग के हर एक गोल पर 50 परसेंट का ऑफ तो जाइए जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और हाँ ये ऑफर सिर्फ पास यूजर्स के लिए है हेलो एवरीवन यस वेरी सभी का वेलकम है आज के सेशन में चलिए सो so, जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं एक बार कंफर्म करिएगा दैट एवरीथिंग इज फाइन यस यस सो की ऑडियो एंड वीडियो बहुत हार क्लियर एवरीथिंग इज फाइन सब कुछ क्लियर है गाइस प्रेम सुजीत अकेडमिया आकांक्षा यस आई होप की एवरी थिंग इज करेक्ट सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं सेशन को बट स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं एक चीज मैंशन कर दू कि आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा कल और आज यानी कि ट्वेंटी सेकेंड और ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को जो टेक्सट बुक पास यूजर्स हैं उन सभी के लिए लॉयल्टी सेल गोइंग ऑन है और जिसमें टेक्सट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के एनरोलमेंट पर फ्लैट फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट है ठीक है और साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है तो आज इसके लिए ज़रूर इनरोल कर रहे हैं बिकॉज टू टू डेज द लास्ट डे और ये अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइसेस पर टेक्स्ट बुक्स सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है ठीक है सो प्लीज इनरोल फॉर दिस सो गाइज हम लोगों ने एस uh, एस uh, के लिए इम्पोर्टेंट जी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें अभी तक हम लोग टोटल तीन पार्ट कवर कर चुके हैं आज के सेशन में हम लोग जो पार्ट कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द फोर्थ पार्ट ठीक है और आज के सेशन में भी टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग करने जाएंगे 60 मिनट्स में सो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं ठीक है और आई होप की ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है दर इज़ नो इशू ठीक है सब कुछ फाइन है बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली मंडे टू फ्राइडे थ्री पी पर मास्टर क्लास में जो आपकी बुक एप्लीकेशन पर होती है ठीक है सो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बेहतरीन ऑफर्स इस समय गोइंग ऑन है तो जिन्होंने इनरोल नहीं किया है उनके पास ये अमेजिंग आ, और मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं साथ में मेरे जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखेगा तो जिसने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है सो तो बस सर्च करिएट द रेट बुक ज्वाइन कर लीजिए सो आई होप की सभी लोग तैयार हैं और चलते हैं हम लोग आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आई आईओ की छेज यस नमस्कार वेरी गुड आफ्टरनून चले गए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन इंडियन हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव तो हमारा जो इसमें रैंक है इस रैंक में हमारा थोड़ा सा सुधार हुआ है ठीक है तो इसमें जरा बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा और आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे सो विच ऑप्शन इज करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यूएसए है इंडिया है इंडोनेशिया है या फिर बांग्लादेश सो विच ऑप्शन इज राइट ठीक है विच ऑप्शन इज राइट ठीक है विच ऑप्शन इज राइट सो देखो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हम लोग देखने जाएंगे और यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन तो ये जो लॉन्च किया गया है इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशियेटिव दैट इज लॉन्च बाई द इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द क्रिमिनल प्रोसीजर ठीक है आइडेंटिफिकेशन बिल तो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पर आधारित है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा ठीक है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा ठीक है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट होगा सभी को गुड आफ्टरनून गाइस सभी का वेलकम ठीक है सभी का वेलकम मोहन सौम्या क्षितेश शुभम यस सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स ठीक है तो ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ठीक है आप लोगों के आंसर देख के लग रहा है कि करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहिए दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल मत करिएगा ठीक है करंट अफेयर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं टाइम के साथ सो प्लीज फॉलो दिस करंट अफेयर सीरीज ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूट विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस एस आई की एस एसई की हम लोग बात कर रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज की तो पूछा गया है कि किस आ, संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस एसई के लिए विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है आर बी आई है सेबी है आर बी आई है सेबी है नीति आयोग है या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है सो so इसमें से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे और इसमें से देखो जो सही आंसर है दैट दरिजा सेबी तो सेबी आप सभी जानते हैं कि रेगुलेटरी बॉडी है सेबी एक स्टेचुअरी बॉडी है ठीक है जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है 1992 में हुआ है और हेडक्वार्टर आप सभी जानते होंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है लोकेटेड इन मुंबई ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक जो स्केल ऐप है अभी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इस समय न्यूज में भी बना हुआ है स्केल ऐप विच वॉज रिसेंटली लॉन्च या रिसेंटली इन न्यूज प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट सोल्यूशन फॉर एम्प्लॉयज ऑफ विच फील्ड तो निम्नलिखित में से किस फील्ड के एम्प्लॉय को ये स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा और रोजगार की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा ये आपका टेक्सटाइल से जुड़ा है ऑटोमोबाइल लेदर इंडस्ट्री से जुड़ा है ठीक है ऑटोमोबाइल लेदर या इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से जुड़ा हुआ है ठीक है सो इसमें जो राइट right आंसर होगा दैट इज अ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है लेदर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एज पर रिसेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका मतलब एडीबी जो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के आउटलुक के अकॉर्डिंग इन्होंने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट ट्रिमंड किया है 2022 और 23 के लिए वो कितना परसेंट ट्रिमंड किया गया है तो 8.2 होगा 7.6 होगा 7% होगा या फिर 6.8% होगा तो टोटल जो जीडीपी ग्रोथ आउटलुक किया गया है वो कितना है और इसमें से जो सही आंसर है, 7 right answer, so correct, है uh, year, तो आपको बताना है कि ये जो विश्व गुलाब दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 19 सितंबर को 22 सितंबर को बीस सेप्टेम्बर को या फिर अट्ठारह सेप्टेम्बर को और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज अप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द सॉरी सेकेंड नहीं हाँ सेकेंड ही राइट right आंसर इसका एक्चुअली में ये यहाँ पे गलत रह गया है ठीक है तो बाईस सेप्टेम्बर तो याद रखिएगा बी इज राइट तो बी राइट है तो ये बाईस सेप्टेम्बर uh, को मनाया जाता है ठीक है और एक स्पेशल ग्रुप होता है आप सभी जानते होंगे एक स्पेशल वर्ग होता है एक स्पेशल कम्युनिटी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सोना बाबू कम्युनिटी और ये जो सोना बाबू कम्युनिटी होती है ये इस आ, डे को एक बहुत ही हर्ष और उल्लास के तौर पर मनाती है और सुबह से या फिर रात में बारह बजे से ही अपने प्रियजनों को मैसेज और जो भी शुभकामनाएं वगैरह है, है भेजना शुरू कर देते हैं ठीक है सो आई होप कि आप उस कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करते होंगे और अगर आप करते हैं तो फिर मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूँ ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन विच इसका सही आंसर क्या होगा uh, निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे 2021 है 2018 है 2020 है या 2017 तो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल किस वर्ष शुरू की गई थी 2021 में 2018, 2020 या 2017 और इसका जो सही आंसर है अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो कुछ रिफॉर्म भी हुई है तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्जेंस पोर्टल हैज बीन ज्वाइंटली लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू मिनिस्ट्रीज तो अभी हाल ही में एक कन्वर्जेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है तो जरा बताएगा कि निम्नलिखित में से किन मिनिस्ट्रीज के द्वारा कन्वर्जेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका जो सही आंसर है याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इन विच स्टेट ठीक है हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई इतने सारे डेज क्यों बनाए जा रहे हैं अभी भी ये लोग थके नहीं है अभी भी रोज नहीं देखा जाए तो कम से कम किसी ना किसी महीने कोई ना कोई ना नया डे घोषित कर ही दिया जाता है ठीक है तो मैं भी ये सवाल के जब आपकी तलाश में हूं जब मिल जाएगा मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा ठीक है so सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है तो गुजरात में कंडक्ट किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट ठीक है सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एलविस अली हजारी का हु बिकम द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिलोंग टू विच स्टेट तो अभी हाल ही में ये न्यूज में है पर्सन इन न्यूज है एलविस अली हजारी का ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करती हैं आसाम से है मणिपुर से है हिमाचल प्रदेश से है या फिर त्रिपुरा से है और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज अ ऑप्शन याद रखेगा ए इज द राइट आंसर आसाम ठीक है अगला सवाल है कि वर्ल्ड जो आपका हाँ एल ये जो डे है ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है तो एक ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा था जो 22 सितंबर को था रोज डे ठीक है और ये आपका किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है सो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ ऑप्शन ठीक है सी इज द राइट आंसर ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेब पोर्टल की बात की गई है जिसका नाम है सीएम द हैसी तो ये जो सी द हैसी है ठीक है इनफॉर्म टू योर सीएम ठीक है यही था ना हमने पढ़ा था इनफॉर्म टू योर सीएम कि अपने सीएम को इन्फॉर्म कीजिए और uh, इसमें से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा दैट इज ऑफ मणिपुर ठीक है सो इस पे जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑफ ऑप्शन सी एच करेक्ट ठीक है ऑप्शन सी एच करेक्ट है सो चलिए इस ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट था अब हम लोग चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट मिक्सड क्वेश्चन की ओर ठीक है so सो सबसे पहला सवाल मिक्सड क्वेश्चन का कि हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप ठीक है तो जरा बताएगा कि स्टेथोस्कोप की uh, जो आविष्कार uh, है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था डेविड बुस्नेल हैं जेम्स वॉट्स हैं जिम्सन uh, हैरिसन है या फिर रेने लेनेक है इसमें से जो राइट right आंसर है दैट इज 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 ऑप्शन करेक्ट रेने लेनेक द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट दोस्तों ठीक है अगला क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक द लास्ट मुगल बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिवॉल्ट एटीन फिफ्टी सेवन तो अठारह सो संतावन के विद्रोह के आधार पर पुस्तक द लास्ट मुगल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी ठीक है इसका सही आंसर जरा बताइएगा मार्क्स है पहला ऑप्शन दूसरा विलियम डेल रिम्पिल है और साउल डेविड है या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है विलियम याद रखिएगा डेल रिम्पिल इज द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि व्हाट इज द सीजन ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमेस्पियर तो पूछा गया है कि इसमें विंटर होगा समर होगा स्प्रिंग होगा या फिर ऑटोमन होगा तो इसमें से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे राइट आंसर जरा बताइएगा वट इज द सीजन ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमेस्पियर विंटर समर स्प्रिंग या ऑटोमन और इसका जो राइट right आंसर है दरजा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है ऑटम इज द राइट इसमें जो हमारा हो जाएगा समर इज द राइट आंसर ठीक है समर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं ना तो समर सोलिस्टिस में समर ही तो होगा भाई विंटर कैसे हो जाएगा ठीक है समर सोलस्टिस में समर ही होगा नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे ये नॉर्दर्न हेमेस्पियर की तो ये कौन सा टाइम होता है इक्कीस जून वाला ठीक तो है तो समर ही रहेगा और ये अगर साउदर्न की बात करोगे तो यहाँ पर फिर हम लोग ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर देखने लगते हैं ठीक है ट्वेंटी सेकेंड जो रहता है वो दिसंबर विंटर सोलिस्टिस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा व्हाट इज द सी ऑफ ट्रैंक्लिटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं रोशनी तो हाँ, सोलिस्टिस की अगर हम लोग बात करने जाए तो याद रखेगा ये पर्टिकुलर ऋतुओं से रिलेटेड हम लोग काउंट करते हैं जैसे हम लोग चार ऋतुएं पढ़ते हैं ना शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु और शरद ऋतु समझ में आ गया ना तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब दिन बड़ा होता है रात छोटी और रात बड़ी होती है दिन छोटा इक्वल डे और इक्वल नाइट तो इस तरीके से ये सिचुएशन चलती है ये जैसे सूर्य है और यहाँ पे आपका अर्थ का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं अर्थ का मूवमेंट ठीक है तो आपने देखा होगा ये जो सीजन चेंजेस होते हैं हमारे पृथ्वी में कि समर विंटर ठीक है और उसके बाद आपका क्या आता है शरद और वसंत ठीक है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं जो इसमें राइट right आंसर क्या है ट्रैंकुलिटी किसको बोलते हैं सो दैट इज अप्शन थ्री इज करेक्ट अ पार्ट ऑफ द मून तो अगर देखो हम लोग अर्थ से देखने जाए पृथ्वी से अगर आप खड़े होकर के देखिए जस्ट इमेजिन करिए मन की आंखों से कि आप ये पृथ्वी से चंद्रमा को देखने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है अपने चांद को देख रहे हैं आप ठीक है जो हमारा सबका चांद है तो इसका ओनली कितना फिफ्टी परसेंट फिफ्टी सेवन परसेंट पार्ट जो होता है ये अर्थ से कैसा है विजिबल है ये अर्थ से विजिबल है यानी कि रिमेनिंग पार्ट को हम लोग नहीं देख सकते रिमेनिंग पार्ट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ तो ये जो रिमेनिंग पार्ट विजिबल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज द सी ऑफ ट्रांकलिटी दैट इज नोन एज द सी ऑफ ट्रांकिटी ठीक है

बिना नोट्स बनाए तो नहीं हो पाएगा थोड़ा सा किसी बुक को फॉलो करिए उससे थोड़े बहुत नोट्स बनाइए है ना अपने अकॉर्डिंग छो, छोटे और हैंडी नोट्स बनाइए है। और उसके बाद रिवीजन करिए ठीक है अगर आप सोचते हैं सिर्फ एमसी क्यू करके मैं कर ले जाऊंगा सो दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक है सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है हाई करंट ठीक है हाई करंट अकाउंट एफिशियट राइट वन ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि तो में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से जुड़ा हुआ है आकीरी फोक डांस है लावनी है डोलू है या फिर कुंथिया तो लावनी तो आपको मालूम है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है ठीक है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ठीक है थ्री इज द राइट आंसर ठीक है थ्री इज द राइट आंसर ठीक है कर्नाटक की हम लोग बात कर रहे हैं तो कर, तो कर्नाटक में वैसे भी आप एक और पक्ष पढ़ते हैं यक्षगान भी हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटक का दूसरा आपने कम्बाला भी पढ़ा होगा ये भी हम लोग कहाँ से ही पढ़ते हैं कर्नाटक से ही पढ़ते हैं ठीक है अगला दूसरा जो है कौन सा डोलू कुंथिया ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु डिटरमाइंस द सैलरी पेड टू द यूनियन टेरिटरी यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया तो यूनियन मिनिस्टर्स की जो सैलरी है ये निम्नलिखित में से कौन डिटरमाइन uh, करता है पार्लियामेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर ब्यूरोक्रेट्स तो यहाँ पर जो सैलरी का निर्धारण है ये कौन करेगा और सैलरी का देखो निर्धारण जो कर पाता है वो एक ही कर पाती है वो कौन सी है पार्लियामेंट तो ये जो सारे अधिकार मिले हैं वो किसको मिले हैं पार्लियामेंट को ही मिले हैं और ये पार्लियामेंट हमारी जो डिफाइन है वो किस आर्टिकल में आर्टिकल 79 में और आपको मालूम है कि इसके तीन अंग होते हैं प्रेसिडेंट होता है गवर्नर सॉरी प्रेसिडेंट होता है लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है ठीक है अगला क्वेश्चन है पार्ट तो फिफ्टींथ के, के अलावा अगर मैं बात करने जाऊं पार्ट फिफ्टींथ के अलावा अगर मैं बात करने जाऊं तो दूसरा इसमें आर्टिकल याद रखिएगा तो आर्टिकल जो है वो कौन सा है थ्री ट्वेंटी फोर है आर्टिकल जो है वो कौन सा है थ्री ट्वेंटी फोर है और प्रेजेंट में जो सीई है अगर प्रेजेंट में मैं वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करने जाऊं तो अभी वर्तमान में जो है वो कौन है आपके राजीव कुमार साहब हैं वर्तमान में जो है आपके कौन है राजीव कुमार साहब है। इसमें पहले पूछे गए हैं ठीक है सो so, पहले का जो राइट आंसर है दटेजा सुकमार सिंह ठीक है so, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट वॉज नॉट बिल्ड बाई द सायजहा तो सायजहां जिसके टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर तो इसके टाइम पीरियड को हमने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया दैट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर ठीक है तो भारतीय निर्माण कला की आप सुनहरा समय बोल सकते हैं तो इसमें जामा मस्जिद होगा मोती मस्जिद होगा रेड फोर्ट हो जाएगा या फिर बुलंद दरवाजा तो इसका सही आंसर जरा बताएगा कि कौन सा होगा जामा मस्जिद मोती मस्जिद रेड फोर्ट या बुलंद दरवाजा और इसका जो सही आंसर याद रखिएगा दैट इज़ ऑप्शन फोर इज राइट बुलंद दरवाजा तो ये जो बुलंद दरवाजा है इसकी अगर मैं बात करने जाऊं तो याद रखिएगा बिल्ट बाय ये किसके द्वारा बनवाया गया है दैट इज़ बिल्ट बाय अकबर ठीक है बिल्ट बाय अकबर और ये कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा दैट इज़ लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी

कि ये जो आ, ये जो आपकी आ, कौन सी सेल है याद रखिएगा लॉयल्टी सेल है इसका आज आखिरी दिन है ठीक है आपने वैल्यूड टेक्स्ट बुक पास यूजर्स के लिए सो आज सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आज के लिए अवेलेबल है फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट तो जरूर आज ही इनरोल कर लें अगर नहीं किया है तो यूज यूज कूपन कोड एस एच आई विकेट अगला क्वेश्चन है सेप्टेम्बर उन्नीस सौ सोलह में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने शुरू की अब होम रूल लीग जो थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपने पढ़ा होगा दैट वॉज द सेल्फ रूल कि ये सेल्फ रूल स्वशासन की डिमांड कर रहे थे ठीक है तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने तो स्थापना की 1916 में तो ये भी सही है लेकिन इन्होंने कहां से की थी फ्रॉम पुणे तो इन्होंने पुणे महाराष्ट्र से इसकी स्थापना मतलब पुणे महाराष्ट्र से इसकी स्थापना की थी और इसमें जो पूछा गया है पुणे महाराष्ट्र से इन्होंने इसकी स्थापना की थी इसमें जो पूछा जा रहा है एनी बेसेंट तो जो राइट आंसर होगा वो क्या है एनी बेसेंट क्योंकि एनी बेसेंट ने 1916 में जिसकी शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी मद्रास से और एनी बेसेंट तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी सी की वाराणसी में और दूसरा आप जानते होंगे कि उन्नीस में ये आईएनसी एन के अध्यक्ष भी बन चुकी हैं 1917 में प्रथम महिला थी जो आईएनसी एनसी के अध्यक्ष बनाई गई और इनकी जो दो किताबें हैं एक इंडियन ओपिनियन और कॉमन व्हील तो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इंडियन ओपिनियन और कॉमन व्हील वो भी एक बार जरूर देखनी ठीक है अगला क्वेश्चन है कि द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ज्योग्राफी का बेहतरीन क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यान्ह का सूर्य कभी भी ऊपर नहीं चपकता इसका सही आंसर जरा बताइएगा सो जीरो टू ट्वेल्व डिग्री ट्वेंटी फाइव साउद थर्टी साउद ट्वेंटी फाइव नॉर्दन टू ट्वेंटी थ्री नॉर्दन और फिफ्टीन साउदन टू ट्वेंटी साउदन तो इसका सही आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है सो जरा बताइएगा कि इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज़ अ ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है तो 25 याद रखेगा डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ ठीक है अगला सवाल है कि टू मेजर ह्यूमिडिटी वी यूज ठीक है तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं प्लेनीमीटर का इस्तेमाल करते हैं साइको आ, जो आ, मीटर है आ, उसका इस्तेमाल करते हैं लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑपिशो का इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीके? सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है याद रखिएगा साइकोमीटर इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ द इलेक्टोरेट इज तो हरियाणा में ये पूछा जा रहा है कि निर्वाचन सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है दैट इज अ मतलब ये आपका गुड़गांव वाला एरिया जिसको अब गुरुग्राम कर दिया गया है ठीक है और uh, uh, हिशार है पानीपत है या फिर uh, फरीदाबाद है तो निर्वाचन क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखने जाएं तो इसका जो राइट आंसर है ठीक है ऑप्शन वन इज राइट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर स्थित है और इट इज याद रखिएगा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल तो ये जो है आपका सबसे बड़ा हम लोग कह सकते हैं लार्जेस्ट याद रखिएगा इट इज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल तो ये सबसे बड़ा आपका हिंदू मंदिर है ठीक है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है पाकिस्तान है इंडिया है कंबोडिया है या वियतनाम

वो है आ, मतलब सोर्स है वो क्या है आपका ऑप्शन थ्री मल और कचरा अगला क्वेश्चन है कोलूर माइन जो है आ, ये निम्नलिखित में में से किस में, आ, किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है कोलूर की बात कर रहे हैं हम लोग सोने के लिए कॉपर के लिए तो इसका जो राइट आंसर है इसमें से कोई भी नहीं याद रखेगा अगर हम लोग वो बात करते हैं तो कोलार गोल्ड फील्ड है याद रखेगा कोलार गोल्ड फील्ड ये आपने जरूर पढ़ी है ठीक है और के जो आपने पढ़ा होगा कोलार गोल्ड फिर के बारे में बात करें नॉट कोलूर ठीक है तो इसमें से कोई भी नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार एंड चाइना तो ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्रा है ठीक है आपको बताना है पास का नाम बताना है या फिर दर्रे का नाम आपको बताना है ठीक है जो कि तीन कंट्रीज को कनेक्ट करता है भारत को म्यांमार को और चाइना को ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका राइट right आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज राइट ठीक है विच ऑप्शन इज राइट जिलेपला है नाथुला है दीपूला है या फिर बॉम्दीला पास है और इन तीनों देशों को जो कनेक्ट करने वाला है वो कौन सा है दैट इज अपूला पास इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है ऑप्शन थ्री राइट तो ये याद रखिएगा ये तीनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है भारत को म्यांमार को और चाइना को इन तीनों को कनेक्ट करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ इंदौर फ्रॉम विच रिवर तो इंदौर uh, जिसको हम लोग मिनी uh, मुंबई भी बोलते हैं ठीक है मिनी मुंबई इसको नाम दिया गया आज के समय में इसको हम लोग मिनी uh, मुंबई बोलते हैं या फिर आप इसको मध्य प्रदेश की कैपिटल के तौर पे भी जाना जाता है एमपी की इकोनॉमिक कैपिटल आप कह सकते हैं एमपी की इकोनॉमिक कैपिटल ठीक है इकोनॉमिक कैपिटल और लगातार लगातारिक्स टाइम्स ये मोस्ट क्लीन सिटी है भारत की ठीक है सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर है उसी से रिलेटेड पूछा गया है तो ये याद रखिएगा इसमें जो राइट आंसर है इज नर्मदा ठीक है नर्मदा इसको मुख्य सप्लाई प्रोवाइड करती है ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में समुद्री तटरेखा है कोस्टल लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार कोस्टल लाइन देखिएगा जरा कितने टोटल स्टेट होंगे जो इसको कवर करेंगे तो वन बाई वन काउंट करिएगा ज़रा वन बाई वन काउंट करना पड़ेगा आपने वन दैट इज़ गुजरात तो ये आपका गुजरात हो गया ये महाराष्ट्र हो गया यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा ठीक है और ये आपका कर्नाटक हो जाएगा और यहाँ पर आपका केरल हो गया और ये आपका तमिलनाडु है ठीक है और ये आपका उड़ीसा हो जाएगा सॉरी ये आपका आंध्र प्रदेश है यहाँ पर ठीक है आंध्र प्रदेश है और इसके बाद ये आपका उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल सो आई होप कि बहुत सिंपल है और आप इसमें से किसको टिक करेंगे देर इज ऑप्शन थ्री तो नाइन हो गए ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है अब इसमें जो सबसे बड़ी है ये गुजरात की जो याद रखिएगा कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है अगर सबसे हम लोग बात करने जाए बड़ी तो गुजरात की है और गोवा जो है याद रखिएगा इसकी सबसे इस स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन काउंट की जाती है तो सबसे छोटी किसकी है गोवा की और बड़ी किसकी है गुजरात की ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोड व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑफ इंडिया तो न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक हमने दो बार किए हुए हैं एक हमने किया है इंदिरा गांधी जी के समय में उन्नीस में और दूसरा किया है उन्नीस सौ अंठानवे में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और दोनों को अलग अलग नाम दिए गए थे और एक को नाम दिया गया था ऑपरेशन याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा तो ये हुआ था 1974 में इंदिरा गांधी के समय में ठीक है और दूसरा है जो है ऑपरेशन शक्ति ऑपरेशन जो शक्ति तो नहीं है ऑपरेशन विजय आप कह सकते हैं ठीक है ऑपरेशन जो है तो ये जो आपका हुआ था 1998 आई होप कि आपको मालूम होगा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज सेकेंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु पर आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है ठीक है वायु पर आधारित पूछा गया है तो रबाब है संवादनी है स्वर मंडल है या फिर ताउस है सो so इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट संवादनी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है संवादनी इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर इग्नाइट प्रोडक्शन तो जरा बताइएगा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो लिग्नाइट के प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर है लिग्नाइट के ने वैली है खेतड़ी है गोलकोंडा है या फिर डिगबोई है और इसके लिए भी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकेशन याद रखेगा दट इज अव वैली ठीक है सो ऑप्शन वन इज राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज करेक्ट अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैथल जिले में पाया जाता है कैथल तो आयुब की आपको बहुत प्रसिद्ध होगा और आपने पढ़ा होगा कि ये हरियाणा में स्थित स्थित है और कैथली लोकेशन है जहाँ पर किसकी हत्या की गई थी आपने पढ़ा होगा जो दिल्ली की प्रथम और आखिरी मुस्लिम शासिका थी जिसका नाम क्या था रजिया सुल्तान तो रजिया सुल्तान और उसके पति जिसका नाम क्या था अल्तुनिया दोनों की जो हत्या की गई थी वो कैथल में ही की गई थी ठीक है सो इसका जो राइट आंसर है दोनों गुरुद्वारा नीम साहिब भी यहाँ पर मिल जाएगा और शेख तैयब का मकबरा भी मिल जाएगा ठीक so right, बत है सो ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है यू का फुल फॉर्म जरा बताइएगा ठीक है यूजफुल आइडेंटिटी है यूनिक आइडेंटिटी है यूटिलिटी आइडेंटिटी है या यूनिवर्सल आइडेंटिटी आप बोलते हो ना कि एक आप पर्टिकुलर अपना यू होगा तो यू एक एब्रीवेशन है और इस एब्रीवेशन का फुल फॉर्म क्या है सो दैट इज अक आइडेंटिटी ठीक है दैट इज अप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है जैसे हम लोग पढ़ते है यू आई जो आधार कार्ड वगैरह रेगुलेट करती हु द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ क्या पूछा गया है uh, हाँ मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है इसमें से निम्न लिखित में से कौन एसोसिएटेड है एल्फ्रेड नोबल है ठीक है पहला ऑप्शन रॉबर्ट ओपेन है तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन है या चौथा निम्न लिखित में से कोई भी नहीं तो ज़रा बताइएगा किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और आप निम्नलिखित में, में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट रॉबर्ट ओपन हैमर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है हु वॉज अवार्डेड विद नोबल प्राइज फॉर थियोटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी तो भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए नोबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था जेम्स पीबल्स है जॉन बी गुड इनफ है सर पीटर जे रेड क्लेव है या फिर एस्तर डाफ्लो और इसमें से जो राइट आंसर है यस दैट इज अ ऑप्शन वन इज करेक्ट दैट इज अ जेम्स पीबल्स इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एंडीज ये पूछा गया है कि किस प्रकार का पहाड़ है तो देखो प्रेरीज और एंडीज तो एंडीज हम लोग पाते हैं कहाँ पर साउथ अफ्रीका में दीज आर लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका और लॉन्गेस्ट इसको आप माउंटेन रेंज बोलते हो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हम लोग बोलते हैं सबसे लंबी पहाड़ियां हैं तो इसमें ब्लॉक होगा पहला ऑप्शन है फूल फोल्ड होगा रेसिडुअल होगा या वोल होगा तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है फोल्ड इज द याद रखेगा करेक्ट ऑप्शन तो ये इसका सही हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है द कॉमन ट्री स्पेसीज इन नीलगिरी हिल इज तो नीलगिरी पहाड़ियों में आमतौर पर पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां क्या है साल है पाइन है ठीक है नीलगिरी है यूके हम लोग बोलते ना इसको और टीक तो नीलगिरी जो पहाड़ी हमको मिलती है इसमें आपने डोडा बेटा अनाईमुड़ी कौडमोम हिल ये वाले पार्ट पढ़े होंगे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं अपने साउथ साउथ की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए गाइज यहाँ पर एक अपडेट है टेक्स बुक सुपर कोचिंग के बारे में कि आप में से जो भी कैंडिडेट इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के साथ टेक्स बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं जहां पर आपको मल्टीपल टीचर्स मिल जाते हैं जिनके आप अपनी सिलेक्टेड टीचर्स के साथ पढ़ते हैं जिस भी टीचर्स को आप बेहतर पसंद करते हैं ठीक है और इसके लिए किस तरीके से इनरोल कर लेना है और आज आपको मैंने बताया कि बेहतरीन इस समय ऑलरेडी जो डिस्काउंट सेल ऑफर है

आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के जो भी टीचर्स हैं पंकज गोयल सर आर के रमन सर ठीक so है देवेंद्र कुमार पाटीदार सर ठीक है राजकमल गुप्ता सर ठीक है सो ये सभी फैकल्टीज हैं जिनके कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसके अलावा नॉन टेक का सेक्शन पंकज चौबे सर ठीक है और आपके जो अदर फैकल्टीज हैं सुशांत सर ठीक है हिमांशु सक्सेना सर इन सबके द्वारा भी आप कवर कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशन डाउट एंड रिविजन सेशन मिल जाते हैं पी वाई क्यू सेशन तो इनके लिए किसी को भी एनरोल करिए याद रखिएगा ये टैक और नॉन टैक दोनों का ही सेक्टर इसमें अवेलेबल है इसमें से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना है और जब भी पेमेंट करने जाएँ सो यूज द कूपन कोड दैट इज़ आ एस एच आई वी के टी ठीक है सो इस कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसको अप्लाई कर दें जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट और प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन yes. पूछा गया है कि किस कंपनी अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट तो आप जानते हैं ना परमानेंट सेटलमेंट तो हम लोग तीन पढ़ते हैं ना परमानेंट सेटलमेंट रैयत वारी महलवारी तो ये तीन तरीके से हम लोग वो आपने देखते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम ठीक है ये जो तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये परमानेंट सेटलमेंट है ठीक है रैयत वारी महलवारी ये आपने पढ़े होंगे So, इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री एज कर मार्जिनल यूटिलिटीज आर ठीक है are, तो एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है मिनिमम uh, होती है इक्वल होती है हाइएस्ट होती है ठीक है या फिर इंक्रीजिंग होती है इसका राइट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकंड इज राइट ठीक है तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है तो ये याद रखिएगा कि ये उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है द सोलर प्लान दैट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर इज ठीक है तो वह सौर ग्रह कौन सा है जिसका एक दिन अपने वर्ष से अधिक समय का होता है मरकरी वीनस जुपिटर या सेटन सो दैट इज़ आ वीनस ठीक है वीनस याद रखेगा वीनस के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अर्थ ट्विंस कहलाता है ये पृथ्वी का जुड़वा हम लोग पढ़ते हैं ठीक है हमारा ये मॉर्निंग और दूसरा आप इसको क्या बोलते हो इवनिंग स्टार ठीक है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है और ये याद रखेगा इसको हम लोग हॉटेस्ट और साथ में क्या बोलते हैं बी आर आई जी एस टी ब्राइटेस्ट प्लानट भी इसको हम लोग बोलते हैं हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लान भी इसको नाम दिया जाता है ठीक है और जीरो सेटेलाइट है कोई भी सैटेलाइट नहीं है इसके ठीक है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री डेट द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड तो संसदीय जो शासन प्रणाली है ये किस देश में पहली बार विकसित हुई थी जर्मनी में ब्रिटेन में कनाडा में या जापान में तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ठीक है इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ब्रिटेन इज द राइट आंसर ठीक है ब्रिटेन इज द राइट आंसर ठीक है ब्रिटेन इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है टू हुम डज प्रेसिडेंट कंसल्ट द फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट या ऑल ऑफ द ईस्ट ठीक है सो so, इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज राइट तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है सो आई होप कि आपको मालूम है कि ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है बस जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है लेकिन यहाँ पर वो सभी से एडवाइस ले सकता है सीसीआई से ले सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को करने जाएगा ठीक so, right है सो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर अगला क्वेश्चन है कि हु द द द दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट इन दिल्ली दे सल्तनत तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राजा था जिसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी बनाया था दीवान वजारत और दूसरा है दीवान अर्ज तो ये एक ही राजा था जिसका नाम था ग्यासुद्दीन बलवन और ग्यासुद्दीन बलवन के बारे में अगर हम लोग बात करने जाए तो आयरट आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का इस्तेमाल करता है आयरन एंड याद रखिएगा कौन सी पॉलिसी है ये ब्लड पॉलिसी दूसरा हम लोग इससे रिलेटेड एक और अपडेट देखते हैं कि ग्यासुद्दीन बलवन को ये अपने आप को क्या भी बोलता है जूना खां तो इसने एक जूना खां का भी टाइटल अडॉप्ट किया और जिल्ले इलाही भी ये अपने आप को बोलता है ठीक है याद रखेगा जिल्ले इलाही का भी टाइटल ये लेता है जिल्ले इलाही का और दूसरा देखा जाए तो पैबोस और सिजदा तो पैबोस और दूसरा कौन सा है सिजदा याद रखेगा ये दो कस्टम भी इसके द्वारा शुरू किए गए थे ठीक है अगला क्वेश्चन है नवरोज फेस्टिवल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो याद रखिए रखेंगे दर्जा नवरोज फेस्टिवल ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी रेगुलेटिंग एक्ट 1833 और चार्टेड एक्ट है 1813 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टेड एक्ट 1853 फिफ्टी थ्री सो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और दैट वॉज द चार्टेड एक्ट भी आप इसको कह सकते हैं एटीन थर्टी थ्री एटीन थर्टीन तो एटीन थर्टीन में आपने पढ़ा होगा कि इंडियन एजुकेशन पे भी फोकस किया जाता है इंडियन एजुकेशन को भी सुधार करने के लिए पैसा लोकेट होता है लेकिन वो पैसा लग नहीं पाता है याद रखिएगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली को भी बंद कर दिया गया चाय के व्यापार और चाइना के साथ व्यापार में ठीक है और दूसरा याद रखेगा ईसाई धर्म को भारत में आने के लिए प्रॉपर लीगल परमिशन प्रोवाइड की जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तो जो आपके अविकसित देश होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है वॉल्ट्री इनएक्टिविटी इक्वालिटी इन इनकम लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज या लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन द पीपल और इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट ठीक है वॉल्टरी इनएक्टिविटी ठीक है अगला सवाल है कि द फिलॉसफी ऑफ हाँ पॉजिटिविज्म ठीक है डज नॉट बिलीव इन तो जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा प्रत्यक्षवाद का दर्शन विश्वास नहीं करता है पहला स्पेकुलेशन दूसरा ऑब्जेक्टिविटी तीसरा फैक्ट और चौथा ट्रुथ इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है स्पेकुलन इज राइट आंसर तो ये इसका कैसा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ द डेली सल्तनत इज ठीक है तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है इसका समय पूछा गया है अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है मोहम्मद गौरी के बाद कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो आसू ल्यूशंट को फॉलो कर सकते हो अरियंत को फॉलो कर सकते हो किसी को भी फॉलो कर लीजिए देखिए इसकी शुरुआत कब होती है 1206 से डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी और ये कहाँ तक जाता है पंद्रह तक तो इसमें आपकी टोटल पांच डायनेस्टीज हमको देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत में पांच हमको राजवंश देखने को मिलते हैं इसमें एक सिले भी रहता है उसके बाद एक खलजी खलजी के बाद तुगलक ठीक है और और लास्ट में कौन है लोधी ठीक है तो ये पांच डायनेस्टी मिलती है ना सभी को टाइम पीरियड भी मालूम होंगे अगर चाहें तो मैं लिख देता हूँ सभी के तो स्लेव का तो मालूम है कि 1206 से लेकर के 1290 खलजी का 1290 से 1320 तुगलक का 1320 सौ बीस से चौदह सौ सैयद का चौदह सौ से चौदह सौ से चौदह सौ और ये चौदह सौ से कहाँ तक देखोगे पंद्रह सौ पानीपत का प्रथम युद्ध अगला क्वेश्चन है कि सीतभद्रा के हो? इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ तो सीत भद्रा की जो गुफाएं हैं केवस हैं ये निम्नलिखित में से कहा पर लोकेटेड है तो जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विच ऑप्शन इज राइट right? बस्तर रायगढ़ जगदीशपुर या जा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर ठीक है ऑप्शन इज़ राइट। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा गया है अठारह सौ का विद्रोह सबसे पहले किस शहर से शुरू हुआ था किस शहर से शुरू हुआ था अठारह तो सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी बैरकपुर से बैरकपुर की छावनी के बाद फिर जो ये यही विद्रोह है आपका कहाँ से शुरू हो गया था करंट अफेयर जो आता है कम से कम आठ महीने से दस महीने का तो पढ़ना पड़ेगा सो दैट इज़ अ मेरठ मेरठ तो आपको मालूम होगा टेंथ में अठारह सौ अगला क्वेश्चन टू विच इज़ परामिड ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू तो ऊर्जा का परामिड निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है इसमें राइट आंसर क्या होगा और किस ऑप्शन को हम लोग टिक करने पाएंगे इन्वायरमेंट uh, से है बायोस्फेयर रिजर्व से है फूड चेन से है या फिर फूड वेब से सो so, इसका जो राइट right आंसर है इट इज़ एसोसिएटेड विद द फूड चेन ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड इज़ राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि uh, निम्नलिखित में से कौन सी से झील संयुक्त तो राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है लेक मिचिगन uh, है ठीक है और लेक इरे है लेक सुपीरियर है या लेक ओनेगा है तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर लेकिन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसका जो राइट right तो आंसर right हो जाएगा दैट इज ऑप्शन इज द राइट ठीक है लेक होनेगा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक या फिर एक ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थ्री टाइप्स uh, जो है हमारे पास क्या है जूरिस्टिक्शन पावर है तो जो डूर पावर्स हैं वो हम लोग तीन प्रकार की पढ़ते हैं एक है ओरिजिनल दूसरी है एपलेट तीसरी होती है एडवाइजरी तो ये जो है आपकी किस में आती है दैट इज ऑप्शन ओरिजिनल ये आता है ओरिजिनल में ठीक है ये वाला पार्ट चला जाता है में और एडवाइजरी चला जाता है 143 में आपका कौन सा एडवाइजरी तो इस तरीके से आपने डिटेल में पूरा देखना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से पूरा डिटेल में आपने देखना पड़ेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू पीपल तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकार तो पहले में तो ये बोला गया है इंडिया ठीक है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तो इंडिया के बारे में बात की गई यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तो भारत का जो निर्माण हुआ है जो संघ का निर्माण हुआ है संघ जो राज्य है और संघ शासित क्षेत्र है उनसे निर्माण हुआ है ठीक है तो पहला पाठ दूसरा है आपका ये जो चौथा है ये डीपीएसपी के बारे में बात करता है नीति निर्देशक तत्व तो, सेकेंड सिटीजनशिप के बारे में बात करता है ठीक है नागरिकता के बारे में बात करता है और जो चौथा है ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है ठीक है मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर तो राष्ट्रीय दूर संचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई 2010 में 2011 में 2012 में या 2013 में सो so इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे ठीक है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सो so इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है याद रखेगा थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट right. ठीक है अगला सवाल है कि बिसाइड्स महाराष्ट्र कर्नाटका एंड गोवा विच ऑफ द फॉलोइंग ज द फोर्थ स्टेट फॉर कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोंकण रेलवे परियोजना का चौथा राज्य है कर्नाटक गोवा चौथा आपको बताना है चौथा कौन सा इंक्लूड रहेगा इसमें दट इज अ केरल तो ये तो आपके हेरिटेज में भी शामिल किया गया ना यूनेस्को हेरिटेज में ठीक है और आपको सच में अगर नेचुरल ब्यूटी देखनी है आपको इस सहयाद्री वेस्टर्न घाट को देखना है तो फिर आप ये कोंकण जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसको जरूर एक बार घूमिए ठीक है ठीके? बहुत ही खूबसूरत ठीक है राइट आंसर ऑप्शन वन इज राइट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ब्रह्म समाज भी कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग चाहें तो आत्मीय सभा के नाम से भी कह सकते हैं ठीक है तो आप इसको आत्मीय सभा भी बोल सकते हैं या ब्रह्म समाज भी बोल सकते हैं सो so, इसमें से आपको बताना है कि जो सही आंसर होगा उचित आंसर होगा वो क्या हो जाएगा और देखो दोस्तों जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दैट इज जा, ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है राजा राम मोहन रॉय तो ये करेक्ट आंसर है ठीक है राजा राममोहन रॉय इज द राइट आंसर और इनको राजा का जो टाइटल है ये कई बार पूछता है कि ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था तो याद रखेगा जो मुगल किंग थे जो मुगल किंग थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय ठीक है तो द्वितीय के द्वारा ये इनको राजा का टाइटल दिया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इबादत खाना जो कि एक बैठक घर है किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया तो इसका जो निर्माण शुरू हुआ वो पंद्रह में शुरू हुआ और ये एक आप कह सकते हैं कि प्रेयर हॉल था लेकिन बाद में ये रिलीजियस डिबेट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और बाद में इसमें जो रिलीजियस डिबेट था वो बंद कर दिया गया और दीन इलाही धर्म की शुरुआत हो गई जो मोनोथिज्म पर आधारित था तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था अकबर के द्वारा ठीक है फतेहपुर सीकरी में स्थित है अगला क्वेश्चन है केसरी वॉच ठीक है तो केसरी क्या था एक ऑर्गेनाइजेशन uh, था सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार के लिए जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया कह सकते हैं एक इंग्लिश uh, न्यूज था जो एस एन बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा था ठीक है दूसरा मराठी न्यूज़पेपर था तो क्लियर सी बात है आपने पढ़ा होगा केसरी और मराठा तो ये जो केसरी और मराठा न्यूज़पेपर थे ठीक है ये कैसे थे भाई बीजी तिलक तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है मराठी न्यूज ठीक है तो इसमें जो सही आंसर टिक करेंगे थ्री अगला क्वेश्चन है द टर्म ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट तो भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग पहली बार किस ब्रिटिश अधिनियम में किया गया था 1813 में 1833 में सत्रह में या फिर अठारह में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट और आपको मालूम था कि इसमें हम लोगों ने दो चीजों का निर्माण किया बोर्ड ऑफ काउंसिल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का तो ये जो बनाए गए थे आपके कौन कौन से एक बनाए गए थे कौन सा बोर्ड ऑफ काउंसिल ठीक है तो एक बोर्ड ऑफ काउंसिल का निर्माण किया गया और दूसरा जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ काउंसिल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ये किसके लिए था ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए और एक एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक है सो तो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री ठीक है अगला क्वेश्चन है कानपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है कार्तिकेया है कंस है कृष्णा है सही आंसर किस ऑप्शन के साथ हम लोग इसमें सही आंसर करने जाएंगे ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है कृष्णा इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री अगला सवाल है काजीरंगा नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इनडेंजर्ड तो इसमें से स्नो लेपोर्ड हो जाएगा आ, एक सिंग वाला गेंडा होगा ठीक है एसियाटिक लायन होगा या फिर स्वांप डियर होगा और इसमें से देखो जो सही आंसर है वो कौन सा है एक सिंह वाला गेंडा इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है ऑप्शन सेकंड इज राइट अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन टू रूलर टू हीड टू द प्रपोजल ऑफ सब्सिडरी अलायंस तो सहायक संधि के प्रस्ताव का देखभाल करने वाला सबसे पहला uh, भारतीय शासक कौन था तो ये जो पब्लिश की गई थी बाई लॉर्ड वेलेजली अगर आपने पढ़ा हो लॉर्ड वेलेज अली के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था लॉर्ड वेलेज अली के द्वारा जिसका नाम क्या था दट वॉज दब्सिडरी अलायंस तो बड़ौदा के गायकवाड़ थे ग्वालियर के सिंधिया थे अवध के नवाब थे या फिर निजाम ऑफ हैदराबाद तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर निजाम ऑफ हैदराबाद ठीक है ऑप्शन फोर इज right, राइट ठीक है अगला सवाल है कृष्ण देवा राय वॉज द रूलर ऑफ विच एम्पायर तो कृष्ण देवराय निम्नलिखित में से किस एम्पायर के शासक थे विजयनगर उत्तरापथ मुदुरई या फिर कांचीपुरम कृष्णदेव कृष्णदेव आया आई होप आपको मालूम है कि ही वॉज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर और इनका जो शासनकाल भी देखते हैं वो 1599 से लेकर के लगभग पंद्रह के आसपास तक देखा जाता है इनका शासनकाल और ये विजयनगर में वो भी किसके तुलुवा डायनेस्टी तो हम लोगों ने एक तुल्व डायनेस्टी पढ़ी हुई है उसके बहुत महान राजा माने गए इनको आंध्र भोजा आंध्र प्रता में इन सभी नामों से भी जाना जाता है और इन्होंने अपने राज दरबार में आठ महान दिग्गज बैठा रखे थे जिनको हम लोग अष्ट दिग्गजा के नाम से जानते थे ठीक अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद इन द इन्वेंशन ऑफ बैरोमीटर तो बैरोमीटर का जो इन्वेंशन है आविष्कार है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था ठीक है इसका जरा सही आंसर बताइएगा जरा सिल्वेस्टर प्लाटनी रॉबर्ट बंस राइट so, आंसर right है ऑप्शन वन ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है सो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला uh, क्वेश्चन है इन विच ईयर सुभाष चंद्र बोस अलाइड विद द मुस्लिम लीग टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मोन्यूमेंट इन द कोलकाता 1939, 1940, 1941 या 1942 और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर दैट इज 1940 ठीक है 1940 अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैलीकोंडा ग्रुप ऑफ इज स्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ तो ये जो है आपकी वैलिकोंडा का जो समूह है ये जो पहाड़ियों का समूह है ये निम्नलिखित में से किसका भाग है ये पूर्वी पहाड़ी का भाग है ईस्टर्न का वेस्टर्न का पश्चिमी घाट का है कॉडमोम हिल का जो है या फिर नीलगिरी का तो ये जो है याद रखेगा ईस्टर्न में आता है ठीक है ईस्टर्न का पार्ट है राइट आंसर ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया है तो क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है कोल है जियोथर्मल है पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल गैस है और इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है जियो थर्मल इज द करेक्ट ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकेंड इज राइट अगला सवाल है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स वॉज इस्टेबलिश इन 1956 तो एम्स की जो स्थापना 1956 में हुई थी किसके तहत पार्लियामेंट के द्वारा एक अधिनियम पारित करने पर एक मल्टी नेशनल है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन वन इज राइट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है ऑप्शन वन इज राइट ठीक है ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि आ, ये हाँ नख जो ज्वेलरी जो है ये पहनी जाती है शरीर के किस भाग में कल हम लोगों ने एक दूसरा पढ़ा था एक और हमने ज्वेलरी के बारे में पढ़ा था जो पैरों में पहनी जाती थी आई डोंट रिमेम्बर द पर्टिकुलर क्वेश्चन बट ऑलरेडी एक ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कल एक सवाल था आज भी ये सवाल है याद रखिएगा तो ये पूछी जाती है किस पहनी जाती है पैर के अंगूठे में ठीक है पैर के अंगूठे में ठीक है पैर के अंगूठे में हाँ कल हमने बिछुआ पढ़ा हुआ था बिल्कुल हाँ हाँ बिछुआ ही बस मुझे याद आया सो so, जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए इज ये था आज का सेशन और इसके साथ ही हमारा सेशन होता है कंक्लूड बाकी इसकी जो पी है दोस्तों वो मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर सो प्लीज़ फॉर द पी डी ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का नाम एट द रेट्स टेक्स बुक इस शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करते रहिए थ्री पी पर अभी आपकी मास्टर क्लास रहेगी और 11:30 पर और 1 पीएम पर आपके इंजीनियरिंग चैनल पर ऑलरेडी सेशन गोइंग ऑन है कल मैं आपको ज़रूर बता दूं कि कल हमारे दो मैराथन सेशन होंगे ठीक है तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कल जरूर जुड़िएगा 9 पी से लेकर के याद रखेगा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ 11 पी तक ठीक है तो कल और सैटरडे और संडे मैं आपके लिए दो मैराथन सेशन लेकर के आ रहा हूँ 9 पी से लेकर के याद रखेगा 11 पी तक ठीक है तो इन दोनों में मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं ठीक है so, सो चलिए गाइज बाकी और लास्ट में इंक्लूड कर दूँ कि इस समय टेक्सट बुक जो यूजर्स हैं पास, पास यूजर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन सेल गोइंग ऑन है जिसका नाम है लॉयल्टी सेल और इसमें अगर आप आज इनरोल करते हैं टेक्सट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज को सो आप पा सकते हैं फिफ्टी परसेंट तक का फ्लड डिस्काउंट सो यूज द कूपन कोड दैट इज एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है सो था आज का सेशन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल